डियर चिल्ड्रंस, देखो बेटा हम पढ़ रहे थे ब्राइफाइटा के बारे में। ब्राइफाइटा का हैबिटेट क्या है, कैसे ग्रो कर रहा है, क्या उसको कंडीशन चाहिए है ना, उसे क्या बोलते हैं, एम्फीबियन प्लांट बोलते हैं ना। तो वो हमने देख लिया था कि वो मोर डेवलप था किससे, एलगी से, लेकिन ट्रू डेवलप नहीं था। ठीक है, वो हम चीजें कल देख चुके। आज हम पढ़ते बेटा ब्राइफाइटा में उसका रिप्रोडक्शन, क्या पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, इसमें जो वो क्या है, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, ब्राइफाइटा की बात करें, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्राइफाइटा में, वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। एक और बात बता दें यहाँ पे, इम्पोर्टेंट चीज है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम क्या बोलेंगे, एंथिरिडियम। ठीक है, क्या बोलेंगे, एंथिरिडियम। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, एंथिरिडियम बोलते हैं। ये क्या होते हैं, जो बाइफ्लेजिलेट होते हैं, क्या होते हैं, ये बाइफ्लेजिलेट्स होते हैं। और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये राइजोइड्स, क्या होते हैं इनके अंदर, राइजोइड्स होते हैं। कल मैंने आपको दिखाया था ना स्ट्रक्चर, इस तरह से राइजोइड्स ये बनाया था मैंने आपको, है ना, ये कैप्सूल, ये सेटा, ये राइजोइड्स, यहाँ पे लीफ, है ना। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर देखा था ना, तो ठीक है यहाँ पे। तो ये जो क्या होता है, इसके अंदर एंथिरिडियम होता है, मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, एंथिरिडियम होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, ये क्या होते हैं, इसमें स्पर्म होते हैं, ये क्या हो गया, एंथिरिडियम। ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, हमारा वो उसे क्या बोलेंगे, बहुत जरूरी है चीजें याद रखना, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या होगा, फ्लास्क शेप का होगा। ठीक है, वो क्या होगा, हमारा फ्लास्क शेप, जिसे हम क्या बोलेंगे, आर्चीगोनिया। याद रखना, आर्चीगोनिया इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन इज द एंथिरिडियम, इट इज द फ्लास्क शेप, इट इज द बाइफ्लेजिलेट एंड इट प्रोड्यूस एग। ये क्या प्रोड्यूस करता है, एग, क्या करता है, एग। ठीक है, ये अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है इसपे, ये क्या है, एग है। ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या है, एग प्रोड्यूस होते हैं। जब एंथिरिडियम किसके पास पहुंच जाता है, आर्चीगोनियम के पास, कहाँ पे, आर्चीगोनियम के पास पहुंच जाता है, इसके पास क्या है, एग है। यानी जब एंथिरिडियम वॉटर में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, तो ये कहाँ मेट करता है, आर्चीगोनिया के पास जाके। यानी आर्चीगोनिया हमारी क्या, मेल, एक हमारा क्या है, एंथिरिडियम क्या है, मेल, और आर्चीगोनिया क्या है, फीमेल, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक जाइगोट। दोनों में क्या होता है, फ्यूजन होता है, तो हमारा क्या बनता है, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, वॉटर के अंदर रिलीज होते हैं और क्या हो जाता है, आर्चीगोनियम विद एंथिरिडियम फ्यूज हो जाते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है बेटा, जाइगोट बनता है। यहाँ तक क्लियर बातें, क्लियर। रिप्रोडक्शन में हमने ब्राइफाइटा में बताया कि दो टाइप से सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन इज वन इज द, सेकेंड इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन इज द एंथिरिडियम, इट इज बाइफ्लेजिलेटेड एंड स्मॉल राइजोइड्स प्रेजेंट है। अगर बुक की बात करें, हेंशियल्टी में आपके अलग अलग एक मेल थैलस और एक फीमेल थैलस लिख रखा होगा, एक आपको अलग से ऐसे डायग्राम, ऐसे ऐसे डायग्राम दे रखा होगा, है ना, और वहां पे आपको ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे है। ठीक है, एक हमारा ऐसा मेल होगा एंथिरिडियम, एक हमारा फीमेल होगा, जो स्ट्रक्चर पूरी तरह डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। आप एनशीआरटी बुक में देखोगे ना, जिसपे लिखा होगा गैमा कप, जिससे क्या होते हैं, गैमा कप से गैमा रिलीज होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा एनशीआरटी बुक में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। दूसरा क्या था, सेक्स ऑर्गन हमारा आर्चीगोनियम। ठीक है, जब एंथिरिडियम
क्या रिलीज होता है वाटर के जरिए, कहाँ जाता है आर्चिगोनियम के पास, और वहां पे जाके क्या हो जाता है फ्यूज हो जाता है, उससे क्या बनता है एक सिंगल सेल जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बन गया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। जाइगोट के बाद होता है क्या है? या तो मियोसिस या माइटोसिस। मियोसिस होती है यानी है ना सेल डिवीजन होता है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, बेसिक चीज आपको याद रखना है, वो चीज यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस ना होके यहाँ पे साफ कर देते हैं, यहीं पे ऊपर करते हैं। ठीक है, हमने क्या बना लिया बेटा? जाइगोट बना लिया है ना, क्या बना लिया हमने? जाइगोट बना लिया। ठीक है, जाइगोट बना लिया। देखना मैं पूरी टेबल फॉर्म में समझा लिया आपको। ठीक है, हमने क्या बना लिया? एक सिंगल सेल क्या बना लिया? जाइगोट बना लिया। होता है कि सेल डिवीजन होता है, उसके अंदर मियोसिस होती है, बट यहाँ पे क्या होके मियोसिस ना होके, यहाँ पे क्या मियोसिस ना होके क्या हो जाता है? एक मल्टी सेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? एक क्या बनता है यहाँ पे? जाइगोट क्या प्रोड्यूस करता है? जाइगोट प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। क्या प्रोड्यूस करता है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछी जाती है स्पोरोफाइट के बारे में। ठीक है, जाइगोट के तुरंत सेल डिवीजन होने की बजाय यहाँ पे देखो एक्सेप्शन, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है? नॉन फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? नॉन फ्री लिविंग होता है। क्या होता है? ये नॉन फ्री लिविंग होता है, लेकिन ये कहाँ जाके अटैच हो जाता है? ये फोटोसिंथेसिस, ये कहाँ जाके अटैच हो जाता है? फोटोसिंथेसिस हो रही है ना जहाँ पे गैमेटोफाइट में। ठीक है, जहाँ पे क्या हो रही है? गैमेटोफाइट के फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे क्या होगी? फोटोसिंथेसिस होगी, वहां पे जाके ये अटैच हो जाती है कौन? स्पोरोफाइट। और वहां से क्या लेते हैं? ये वहां से न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली जहाँ पे क्या फोटोसिंथेसिस हुआ तो क्या मिल सकता है? न्यूट्रिशन। तो ये यहाँ जाके क्या लेते हैं बेटा? न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, समझ में आएगा कुछ स्पोरोफाइट। फिर यहाँ जाके यहाँ पे जो स्पोरोफाइट बन गया, कुछ स्पोरोफाइट क्या हो जाते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं स्पोरोफाइट? क्या हो जाते हैं? मियोसिस प्रोड्यूस, सेल के अंदर क्या हो जाता है? मियोसिस होता है, और कुछ क्या करते हैं? हैप्लोइड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। क्या हो जाता है स्पोरोफाइट के अंदर? स्पोरोफाइट में क्या होता है? मियोसिस होती है, और वो क्या करते हैं? हैप्लोइड सेल प्रोड्यूस करते हैं। मियोसिस होती है जब क्या होता है बेटा? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। जब ये सेल साइकिल होगी पढ़ाएंगे तब आपका सारा कंफ्यूजन दूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक समझो, बस हैप्लोइड होता है एक डिप्लोइड, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है? ये जो स्पोरोफाइट के अंदर क्या हो जाता है? मियोसिस होती है, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लोइड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ये स्पोर क्या प्रोड्यूस किया? हैप्लोइड स्पोर प्रोड्यूस किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया, कंफ्यूज नहीं होना। जाइगोट, उसमें मियोसिस ना होने की वजह से एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना, जिससे हमने क्या बोल दिया? स्पोरोफाइट बोल दिया। ये जो स्पोरोफाइट है क्या है आपसे पूछे, व्हाट इज द स्पोरोफाइट? इज द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नॉन फ्री लिविंग, इट अटैच द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड टेक द न्यूट्रिशन। ठीक है, आफ्टर देन क्या होता है स्पोरोफाइट में? क्या होता है? मियोसिस होती है, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लोइड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ये जो स्पोर है बेटा, ये स्पोर क्या करेंगे? जर्मिनेट होते हैं। ये स्पोर क्या होंगे? फिर से जर्मिनेट होंगे, और क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमेटोफाइट। याद है हमने पहले दिन एक स्ट्रक्चर बनवाया था आपको, जिसमें हमने एक जगह स्पोरोफाइट और एक जगह ऊपर गैमेटोफाइट लिख रहा है। तो यही स्पोर क्या प्रोड्यूस करते हैं? हमारे गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। यहां तक कोई डाउट? रिप्रोडक्शन समझ में आया ना बेटा? बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिप्रोडक्शन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सेप्शन चीजें हैं अपनी, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ इसका रिप्रोडक्शन प्राइफाइट का। ठीक है, क्लियर? स्पोरोफाइट में मियोसिस, मियोसिस देन प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। समझ में आया ना? ओके, चलो अब हम देखते हैं, हमने ये रिप्रोडक्शन पढ़ लिया,
हम अब इसके इम्पोर्टेंट्स देखते हैं। हर चीज का इम्पोर्टेंट्स होता है ना, जब हम पढ़ रहे हैं तो उसका नुकसान भी होता है तो उसका बेनिफिट भी होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ब्रायोफाइटा के कुछ इम्पोर्टेंट्स देखते हैं किस तरह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है ये, क्या करवाते हैं, जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं, आपको पता है हर्ब्स सर्ब ट्री तीन टाइप से प्लांट होते हैं, पहले दिन हमने डिस्कस कर लिया था। जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं ना बेटा, हर्बेसियस प्लांट होते हैं ना, उनको ये क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, फूड, क्या करवाते हैं, प्रोवाइड द फूड फॉर हर्बेसियस मेमल और बर्ड। ठीक है, हर्बेसियस मेमल्स और बर्ड्स को और क्या देते हैं, मेमल्स को क्या देते हैं, फूड प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोवाइड द फूड फॉर हर्बेसियस मेमल एंड बर्ड्स। दूसरा क्या करते हैं इनका इम्पोर्टेंट रोल, ये प्लांट की ग्रोथ में क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, यानी प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, प्लांटिंग सक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा, ये सोइल इरोजन में हेल्प करते हैं। सोइल इरोजन का मतलब पता है ना, एक तरह से मिट्टी को बाइंड करके रखते हैं अपने से, तो जिससे क्या होता है, बाइंड रहती है, तो जैसे फ्लूड वगैरह आती है तो क्या मिट्टी का ज्यादा कटाव नहीं होता, तो ये उसमें सोइल इरोजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी प्लांट है इसके अंदर, जैसे मोसिस है लाइकेंस, वो क्या करते हैं, डीकम्पोजर का रोल करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, डीकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं। तो समझ में आए इसके इम्पोर्टेंट, समझ में आए। दूसरे बहुत इम्पोर्टेंट, इनके पास क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनके पास। ओके, हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस, ये बर्ड्स मेमल्स को, जो हर्बेसियस बर्ड्स मेमल्स को क्या देते हैं, फूड प्रोवाइड करवाते हैं। क्या देते हैं इनको, फूड प्रोवाइड करवाते हैं बर्ड्स को और मेंबर्स को। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं, वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी में इनका इम्पोर्टेंट रोल है, डीकम्पोजर में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल है, सोइल इरोजन में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल है, प्लांट की ग्रोथ में भी, सक्सेशन में भी इनका क्या है, इम्पोर्टेंट रोल है। तो क्या है, हमने देखा ब्रायोफाइटा के इम्पोर्टेंट रोल। तो हम कल डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ब्रायोफाइटा। जो टाइप ऑफ ब्रायोफाइटा, दो टाइप से होते हैं, एक तो होता हमारा लीवर वॉर्ट्स और दूसरा होता है मोसिस। ठीक है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ में आई, हमने क्या पढ़ा आज, उसका रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा का, उसका हैबिटेट हम पहले पढ़ चुके। ठीक है, नेक्स्ट हमने उसका इम्पोर्टेंस देख लिया, अब उसके टाइप हम कल डिस्कस करेंगे। समझ में आएगा बेटा, अच्छे से पढ़ना, अगर साथ साथ पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है बाहर से, कुछ नहीं है, सब अंदर से ही हम कर रहे हैं। चलो ठीक है।